गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी, जो कि मात्र 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। साथ ही मार्केट की रबड़ी जैसे टेस्ट है इसका, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई और उसमें मेजरिंग कप से मैं डाल रही हूँ 2 कप मिल्क। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी से 2 कप मेजर करके मिल्क ले लें। अब इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे और इसमें एक बॉयल आ जाने देंगे। तो यहाँ पर ये बॉईल आने लगा है, इसे एक बार अच्छे से स्टर कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ केसर के धागे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच हम ये गरम दूध ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने केसर में दूध ऐड कर दिया है और इसे साइड में रख देंगे हम। और मैं सेम मेजरिंग कप से डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आपने कटोरी से दूध मेजर किया है तो सेम कटोरी से आप 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर दें। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। इसे अच्छे से स्टर करते हुए हम मिला लेंगे। तो इसे मिलाने के बाद हम इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। और इसके साइड्स को इस तरह से स्क्रैच करते जाएंगे। इसे स्टर करते हुए हम पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी लगभग हाफ हो चुकी है, काफ़ी थिक भी हो चुका है पहले से। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे केसर, जो कि हमने पहले से साइड में रखा हुआ था। थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से मिला लेंगे हम सारी चीज़ों को और इसे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व कर देंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हैं बनने के बाद। यहाँ पर मैंने इसे कुछ चॉप्ड पिस्ता के साथ गार्निश किया है, ये ऑप्शनल है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया और थिक है। इसे खाकर कोई बता नहीं सकता कि आपने इसे इंस्टेंट बनाकर रेडी किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और साथ ही ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।